प्रणधार सुंदर साहब जी, प्राय गांव में एक परंपरा है, जब किसी को परम धाम या सच्चिदानंद परब्रह्म के बारे में चर्चा की जाती है किसी से, तो हंसी में कहता है कि आप प्रणाम जी वाले हो क्या। कोई ये नहीं सोचता कि प्रणाम के बिना तो किसी का काम नहीं चल सकता। रामायण में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो क्या राम भी प्रणामी थे? चारों वेदों को देख लीजिए, उपनिषद दर्शन सारी बात को छोड़िए, जिन्होंने रामायण देखी है सीरियल, महाभारत सीरियल देखी है, सब चाहे युधिष्ठिर हो, श्री कृष्ण हो, राम हो, लक्ष्मण हो, सब आपस में क्या कहते हैं, एक दूसरे को प्रणाम बोलते हैं। अब उनको तो कोई नहीं कहता कि ये प्रणामी है। पहली बात यह है कि प्रणाम का अर्थ समझना होगा, प्रणाम कहते किसको है। संस्कृत में नम धातु होती है, नम का अर्थ क्या होता है, दूसरे का सत्कार करना। वैसे इसका अर्थ झुकना होता है, लेकिन यह झुकने का भाव नहीं है। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या करते हैं, ये दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, सिर झुका लेते हैं। इसका अर्थ उसके अधीन होना नहीं है। ये पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, इसका स्वामी कौन है, अंतःकरण। हम यहाँ हृदय से लगाते हैं। इसका भाव यह है कि हमारे शरीर में, हमारी दसों इंद्रियों में, हमारे हृदय में, मन चित बुद्धि अहंकार में आपके लिए सम्मान है, श्रद्धा है, प्रेम है। यह भाव होता है प्रणाम का। चारों वेदों में हर जगह नमस्ते शब्द प्रयोग होता है, नमते नमस्ते होता है। नमस्ते का अर्थ क्या होता है, आपका सम्मान है हमारे हृदय में। नमस्ते और प्रणमस्ते, नमामि और प्रणमामि में कोई अंतर नहीं है। प्र उपसर्ग है और नम धातु है, चाहे नमामि कहिए या प्रणमाम कहिए, कोई अंतर नहीं होता है। जैसे ज्ञान और प्रज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है आप जानते ही हैं, प्रज्ञान का अर्थ होता है प्रकृष्ट ज्ञान। जब नमस्ते के साथ हृदय में प्रेम और जुड़ जाता है तो उसको प्रणाम कहते हैं। इससे अच्छा शब्द और क्या होगा। मैं संसार के अन्य मतों की थोड़ा समीक्षा करना चाहूंगा। एक मुस्लिम जब दूसरे मुस्लिम का अभिवादन करता है तो क्या कहता है, सलाम अलैकुम। इसका अर्थ क्या होता है, खुदा आपकी हिफाजत रखे। दूसरा प्रत्युत्तर में क्या कहता है, वा अलैकुम सलाम, आपकी भी खुदा हिफाजत करे। अभिवादन तो नहीं हुआ, ये तो प्रार्थना हो गई कि खुदा आपकी हिफाजत रखे। सामने वाला जो है उसका जब हम सम्मान करना चाहते हैं तो हमें केवल नमस्ते बोलना पड़ेगा, प्रणाम बोलना पड़ेगा। इस दो के अलावा कोई और शब्द नहीं होता। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, सवेरे मिलेंगे तो कहेंगे गुड मॉर्निंग, दोपहर को मिलेंगे तो कहेंगे गुड नून, शाम को मिलेंगे गुड इवनिंग, और रात्रि को मिलेंगे तो कहेंगे गुड नाइट। इसका अर्थ क्या है, सवेरे अच्छा हो, दोपहर अच्छा हो, शाम अच्छी हो, रात्रि अच्छी, ये प्रणाम तो नहीं हुआ, अभिवादन तो नहीं हुआ, केवल ये कह दिया गया कि ये सब अच्छा हो। सांप्रदायिक लोगों ने तरह तरह के अभिवादन बना लिए। एक सज्जन थे वैष्णव, उन्होंने एक अपने परिचित को, एक तार्किक थे, उनको कहा जय राम जी, तो उन्होंने कहा जय जानकी जी। उनको गुस्सा आ गया कि मुझे जानकी जी क्यों कह रहे हो। उन्होंने कहा कि आपने मुझे राम जी कहा तो मैंने आपको जानकी जी कह दिया। सांप्रदायिक अभिवादन इसी तरह से होते हैं, कोई लक्ष्मी नारायण कहेगा, कोई नमो नारायण करेगा। कोई किसी को नमो नारायण करता है तो व्यक्ति नारायण तो नहीं है। इसलिए आप चारों वेद पढ़ जाइए, चारों वेदों में 20,000 से ज़्यादा कुछ मंत्र हैं, 20,114 मंत्र होंगे। कहीं भी आपको जो सांप्रदायिक अभिवादन है, नमस्ते, जय राम, नमो नारायण, ये सब कहीं नहीं मिलेगा। जो राष्ट्र भावना से प्रेरित थे उन्होंने जय हिंद गाना शुरू किया, उसका भाव क्या था, वीरता के भाव थे कि हम जिस देश में, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, उसका मंगलमय हो। आज़ादी की लड़ाई में ये अभिवादन प्रचलित हुआ क्रांतिकारियों के बीच में, और जो देशभक्त थे जय हिंद कहा करते थे, ये देश के लिए सम्मान परक था। लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अभिवादन करेगा तो आप महाभारत के एक एक पन्ने पलट लीजिए, रामायण के एक एक पन्ने पलट लीजिए, चाहे रामचरितमानस हो चाहे वाल्मीकि रामायण, सब जगह प्रणाम ही आएगा।